सर टिकट का कोई इशारा मिला है सर पार्टी की तरफ से? चुनाव आने ही वाले हैं आपके क्षेत्र में, तो क्या रहेगा सर? कई तरह की बातें चली कि आपके परिवार से वही है, वही जो राम रचिरा था, परेशान हो आप लोग, वही है वही जो राम रचिरा था। यूपी की कैसरगंज लोकसभा सीट से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह गुरुवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष पर महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के मामले दर्ज कराए थे। इस मामले में कोर्ट में बड़ी सुनवाई हो रही है। कोर्ट ने उन्हें उपस्थित होने के आदेश भी दिए थे। वहीं इस दौरान ब्रजभूषण शरण सिंह से जब कैसरगंज सीट से टिकट का सवाल पूछा गया तो उन्होंने श्री रामचरितमानस की एक चौपाई दोहरा दी। कैसरगंज सांसद ने कहा कि हुई है वही जो राम रची रखा। सर एप्लीकेशन है सर, ये जो कहना चाहेंगे सर, एप्लीकेशन मूव किया आपने, आपका कहना है कि जो घटना वाली तारीख बताई गई है उस तारीख पर आप इंडिया में ही नहीं थे, क्या इससे संबंधित कोई दस्तावेज भी आपने कोर्ट में पेश करे हैं क्या सर? पासपोर्ट और टिकट। अच्छा, प्रोसिक्यूशन कह रहा है कि आगे डिले टैक्टिक्स। नो सर, क्या जब तक ये केस पेंडिंग तब तक टिकट भी पेंडिंग? सर टिकट का कोई इशारा मिला है सर पार्टी की तरफ से? चुनाव आने ही वाले हैं आपके क्षेत्र में, तो क्या रहेगा सर? कई तरह की बातें चली कि आपके परिवार से वही है वही जो राम रचिरा था, कहां परेशान हो आप लोग, वही है वही जो राम रचिरा था। बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पदक विजेता पहलवानों ने मोर्चा खोल दिया था। विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता विनेश फोगाट और देश के दो अन्य पहलवानों ने WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। उनके खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुए। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण के खिलाफ मामला भी दर्ज किया। हालांकि इस मामले में जुलाई 2023 में स्थानीय अदालत ने ब्रजभूषण को जमानत दे दी थी। पहलवानों के प्रदर्शन के मामले को विपक्षी दलों ने मुद्दा भी बनाया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर इसे विपक्ष के तमाम नेताओं ने समर्थन दिया था। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में ज्यादातर सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, लेकिन अब तक दो सीटों पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इसमें से एक सीट रायबरेली और दूसरी कैसरगंज सीट। इस समय कैसरगंज से सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह और वो लगातार इस सीट से दावेदारी भी पेश कर रहे हैं, लेकिन इतनी लिस्ट जारी होने के बावजूद इस सीट पर अब तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। वहीं टिकट को लेकर अब ब्रजभूषण शरण सिंह की प्रतिक्रिया भी सामने आई। सर एप्लीकेशन है सर, ये जो कहना चाहेंगे सर, एप्लीकेशन मूव किया आपने, आपका कहना है कि जो घटना वाली तारीख बताई गई है उस तारीख पर आप इंडिया में ही नहीं थे, क्या इससे संबंधित कोई दस्तावेज भी आपने कोर्ट में पेश करे हैं क्या सर? पासपोर्ट और टिकट। अच्छा, प्रोसिक्यूशन कह रहा है कि आगे डिले टैक्टिक्स। नो सर, क्या जब तक ये केस पेंडिंग तब तक टिकट भी पेंडिंग? सर टिकट का कोई इशारा मिला है सर पार्टी की तरफ से? चुनाव आने ही वाले हैं आपके क्षेत्र में, तो क्या रहेगा सर? कई तरह की बातें चली कि आपके परिवार से वही है वही जो राम रचिरा था, कहां परेशान हो आप लोग, वही है वही जो राम रचिरा था, कहां परेशान हो। जानकारों का कहना है कि चूंकि ब्रजभूषण पर बीते दिनों महिला ओलंपिक खिलाड़ियों ने आरोप लगाए थे, इसीलिए उनका असर पश्चिमी यूपी और हरियाणा की कुछ सीटों पर हो सकता है। इसके अलावा कैसरगंज सीट पर चुनाव भी पांचवें चरण में होना है, इसीलिए बीजेपी शुरू के तीन चरणों के मतदान के बाद ही सीट पर फैसला कर सकती है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।